नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, यहां पे बहुत बड़ी खबर सपा के हवाले से आ रही है। सपा ने देखिए बहुत बड़ा आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर। सपा के जो प्रत्याशी हैं विनय तिवारी, जो कि गोला गोकरणा सीट पर अमन गिरी के सामने खड़े हुए हैं, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा है, वो जो उसका प्रशासन है उत्तर प्रदेश में, यानी कि पुलिस प्रशासन जो है, वो भाजपा की कठपुतली बन चुका है। ये देखिए संगीन आरोप विनय तिवारी ने, यानी कि सपा ने लगाया, जिसको अखिलेश यादव ने देखिए बढ़ चढ़ कर शेयर किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर देखिए इस वीडियो को शेयर करा है, जिसमें साफ साफ देखिए विनय तिवारी बता रहे हैं कि देखिए जो पुलिस प्रशासन है वो भाजपा की कठपुतली बन गया है और चुनाव में भाजपा को ही देखिए फायदा पहुंचा रहा है। सुनिए देखिए कहा क्या और क्या कहा है विनय तिवारी ने। कई बार कहा है कि कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन करके प्रशासन रह गया है। जिस तरीके से अभी हम लालापुर गए थे, लालापुर में जो स्थिति आई है निकल के, कि वहाँ पूरी तरीके से जो गुंडागर्दी की गई और वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के एजेंट सूबे बनने के लिए गए थे, उनको विधायक, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उनके भतीजे आशुतोष गिरी, जो कि सहायक अध्यापक भी, उनके द्वारा वहाँ से लोगों को भगाने का काम किया गया और वो पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जबकि सरकारी नौकरी कर रहे हैं और सहायक अध्यापक की तैनाती उनकी इसमें वजीरनगर में। तो देखा कैसे आपने, विनय तिवारी ने संगीन आरोप लगाते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा करा है, चुनाव आयोग के ऊपर भी देखे सवाल उठाए हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे जो विनय तिवारी है, सपा है, इन आरोपों को कैसे सुरक्षित रखते हैं, क्या सबूत देते हैं चुनाव आयोग की, कैसे भाजपा जो है वो चुनाव को देखिए खंडित कर रही है, जैसे चुनाव हो रहे हैं उनको कैसे देखिए पारदर्शिता नहीं है, और जो प्रशासन है वो कैसे देखिए भाजपा की कठपुतली बन चुका है, उनके सबूत देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाय।